प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा बच्चों आज हम नौवीं कक्षा के विज्ञान का बारहवा अध्याय ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं ऊर्जा के कई रूप हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा इत्यादि ध्वनि भी ऊर्जा का एक रूप है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है क्या आप ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं ध्वनि क्या है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे ध्वनि का उत्पादन ध्वनि का संचरण ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि अनुरणन के बहुल परावर्तन के उपयोग श्रव्यता का परिसर सोनार मानव कर्ण की संरचना तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि का उत्पादन और संचरण जब हम वस्तुओं का कंपन करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तीव्रता से बार बार इधर उधर गति करना आइए अब कुछ उदाहरण देखें कि जिन जिनमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है मनुष्य आवाज की ध्वनि उनके वाक तंतुओं में कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो आप ध्वनि सुनते हैं वाद्य यंत्र विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं कई वाद्य यंत्रों को किसी वस्तु के साथ बजाना पड़ता है यद्यपि कुछ यंत्रों की सतह को छोड़ना पड़ता है ताकि उसमें कोई हिलजुल उत्पन्न हो सके बच्चों ध्वनि का संचरण माध्यम द्वारा होता है स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले के पास किसी माध्यम द्वारा पहुंचती है मान लीजिए कि यहाँ ध्वनि का स्रोत स्पीकर की आवाज है माध्यम जिस द्वारा ध्वनि पहुंचती है वह वायु है और ध्वनि सुनने के लिए कान है जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर माध्यम के कणों में भी कंपन उत्पन्न कर देती है सबसे पहले कंपन कर रही वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं ये कण अपने समीप कणों पर बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है माध्यम में कणों का गति करना ध्वनि तरंगों की पहचान है और इसलिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीडित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है इस क्षेत्र को संपीडन या दाब कहते हैं जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं संपीडन उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है इस चित्र में ध्यान से देखें ट्यूनिंग फोर्क वायु के माध्यम में संपीडन और विरलन उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है सी क्षेत्र संपीडन और आर्क क्षेत्र विरलन को दर्शा रहा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कांच का गिलास लीजिए उसमें एक विद्युत घंटी रखिए जिसकी स्विच आपके हाथ में हो गिलास को वैक्यूम पंप के साथ जोड़ें अब घंटी की स्विच ऑन करें और देखें कि क्या आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है हाँ घंटी की आवाज सुनाई दे रही है अब वैक्यूम पंप को चला दें और घंटी को भी ऑन कर दें आप क्या देखते हैं कि घंटी की आवाज़ धीमी हो रही है और कुछ समय बाद घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद कर देती है बच्चों ऐसा क्यों हुआ वैक्यूम पंप ने गिलास में से सारी वायु खींचकर निर्वात बना दिया और वायु के ना होने के कारण घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है बच्चों इससे यह पता चलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य अथवा लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे हैं अर्थात तरंगे जिनमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे ढोलन करते हैं कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है यह तरंगें तीनों माध्यम ठोस द्रवों और गैसों में बन सकती हैं उदाहरण के लिए जब हम सितार की तारें छेड़ते हैं तो वायु में बनने वाली तरंगें अनुदैर्घ्य बनती हैं एक अन्य तरंग भी है जिसे अनुप्रस्थ अथवा ट्रांसवर्स तरंग कहते हैं ट्रांसवर्स तरंग वह है जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण ध्वनि तरंग का विवरण निम्नलिखित अभिलक्षण के आधार पर कर सकते हैं आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड वेग अर्थात स्पीड तरंग ग्राफ शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है घाटी विरलन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत संपीडनों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है इसका ऐसा ही मीटर है आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड दो क्रमागत संपीडनों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं इसे टी अक्षर से निरूपित करते हैं इसका ऐसा मात्रक सेकेंड है आवृत्ति, अर्थात फ्रीक्वेंसी, एकांक समय में इन ढोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है आवर्तकाल तथा आवृत्ति के संबंध v बराबर एक बटा टी तारत्व अर्थात पिच किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा उसकी आवृत्ति भी कम होगी तरंग का आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं इसे अक्षर ए से निरूपित किया जाता है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता का अनुमान इसके आयाम से ज्ञात किया जाता है धीमी ध्वनि का आयाम कम होता है क्योंकि इसमें बल कम लगता है तेज ध्वनि का आयाम अधिक होता है क्योंकि इसमें बल अधिक लगता है गुणता अर्थात टिम्बर यह ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है वह ध्वनि जो मन को अधिक अच्छी लगे उसको अधिक गुणता वाली ध्वनि कहते हैं टोन स्वर और शोर एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं शोर वह ध्वनि जो कर्ण प्रिय ना हो तरंग वेग तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीडन या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है वेग बराबर दूरी बटा समय जिसे हम v बराबर लैमडा बटा t से दर्शाते हैं जहाँ पे लैमडा जो है वो तरंग दैर्घ्य दर्शाता है t जो है वो तरंग का आवर्तकाल है v जमा लैमडा वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है ध्वनि की चाल ठोसों में द्रवों और गैसों से अधिक होती है जैसे एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल चौसठ सौ बीस मीटर पर सेकंड है समुद्री जल में पंद्रह सौ इकतीस मीटर पर सेकंड और हाइड्रोजन में बारह मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि का परावर्तन जब ध्वनि किसी माध्यम से गुजरकर किसी ठोस या द्रव की सतह से टकराकर कर वहां से परावर्तित हो जाती है उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं यह परावर्तन नियमों का पालन करता है पहले नियम के अनुसार आपाती कोण और परावर्ती कोण बराबर होते हैं आइए इसे एक क्रिया द्वारा समझें दो एक जैसे पाइप लीजिए इन्हें दीवार के निकट किसी मेज़ पर लगाएं। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए तथा दूसरे पाइप की स्थिति इस प्रकार रखें कि आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई दे हम देखेंगे कि आपाती कोण और परावर्तित कोण बराबर हैं दूसरा नियम बताता है कि आपाती ध्वनि की दिशा परावर्ती ध्वनि की दिशा और लंब एक ही तल में होते हैं एक दाई ओर की पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए और अब घड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं देती इसलिए क्योंकि परावर्ती ध्वनि का तल बदल गया है प्रतिध्वनि और अनुरणन प्रतिध्वनि और अनुरणन यदि किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है इसे प्रतिध्वनि कहते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम शून्य दशमलव एक सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए यदि ध्वनि की चाल तीन सौ चौवालीस मीटर पर सेकेंड है तो ध्वनि द्वारा शून्य दशमलव एक सेकेंड में चौंतीस दशमलव चार मीटर की दूरी तय की गई है इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए यदि ध्वनि स्रोत और अवरोधक में दूरी 17.2 मीटर से कम हो तो ध्वनि उत्पन्न होने के पश्चात बार बार सुनाई देती है यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निरंतर बनी रहती है इसे अनुरणन कहते हैं किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने के बाद ध्वनि दीवारों छतों और फर्श से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक यह इतनी धीमी ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना दे यहाँ से यह पता चलता है कि अनुरणन में परावर्तन बार बार होता है यद्यपि प्रतिध्वनि में एक बार परावर्तन होता है किसी सभा भवन में या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है इसको कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीडित फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे का उपयोग किया जाता है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है मेगाफोन में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है कॉन्सर्ट हॉल सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए श्रव्यता का परिसर मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर बीस हजार हर्ट्स तक होता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं बीस हजार हर्ट्स या 20 किलो हर्ट से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती रहती हैं डॉक्टरों द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है पराध्वनि तरंगों का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती हैं पराध्वनि का उपयोग इकोकार्डियोग्राफी में भी किया जाता है पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थिर पिंडों की दूरी दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनार कैसे कार्य करता है सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज़ में लगाया जाता है प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित करता है ये तरंगें जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है मान लीजिए पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल टी है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल वी है अब सतह से पिंड की दूरी 2d होगी So, तो डी बराबर वी गुणा टी होगा दूरी बराबर चाल गुणा समय बटा दो सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों घाटियों पनडुब्बियों हिमशैल डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है मानव कर्ण की संरचना हम कैसे सुनते हैं हम एक अति संवेदी कर्ण कहते हैं की सहायता से सुन पाते हैं यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे कान को तीन भागों में बांटा गया है बाह्य कर्ण मध्य कर्ण और अंत कर्ण बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है यह परिवेश अथवा आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट कहते हैं जब माध्यम के संपीडन कर्णपटह तक पहुँचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपट को अंदर की ओर दबाता है इसी प्रकार विरलन के पहुँचने पर कर्णपट बाहर की ओर गति करता है इस प्रकार कर्ण पटह कंपन करता है मध्य कर्ण में विद्यमान तीन हड्डियां मुग्धरक निहाई तथा वलयक जिसे स्टिरप भी कहते हैं, जो इन कंपनों को कई गुणा बढ़ा देती है मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त अर्थात कॉकलिया द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है दोहराई जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले के पास किसी माध्यम द्वारा पहुंचती है। ध्वनि माध्यम के संपीडनों के विरलनों तथा संपीड़नों रूप में संचरित होती है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य या लॉन्जिट्यूडनल तरंगे कहते हैं ध्वनि का परावर्तन के नियम अनुसार ध्वनि के आपाती कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से दूरी 17.2 मीटर होनी आवश्यक है यदि 17.2 मीटर से दूरी कम हो तो बार-बार परावर्तन के कारण अनुरणन सुनाई देती है ध्वनि के परावर्तन का उपयोग मेगाफोन हॉर्न तूर्य, स्टेथोस्कोप तथा कॉन्सर्ट हॉल की छतें वक्राकार बनाने के लिए होता है मानव में ध्वनि श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट से बीस हजार हर्ट्स है 20 हर्ट से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि और बीस हजार हर्ट से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं पराध्वनि का उपयोग उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में होता है सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई पता करने के लिए किया जाता है हम एक अति संवेदी युक्ति जिसे कान कहते हैं कि सहायता से सुन पाते हैं बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और मुझे आशा है कि आप सबको इनके उत्तर आते ही होंगे संपीडन और विरलन में अंतर बताओ जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीडित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है इस क्षेत्र को संपीडन या दाब कहते हैं जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न हमें प्रतिध्वनि हर जगह पर सुनाई क्यों नहीं देती प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक के ध्वनि स्रोत से दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए यदि यह दूरी 17.2 मीटर से कम होगी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी मेरा अगला प्रश्न तीन यंत्रों की उदाहरण दें जिसमें ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है ध्वनि के परावर्तन का उपयोग मेगाफोन हॉर्न तथा स्टेथोस्कोप में होता है स्वर और शोर में क्या अंतर है स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं जबकि शोर वह ध्वनि है जो कर्ण प्रिय ना हो मेरा अगला प्रश्न वेग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध स्थापित करें वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति होता है अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछूंगी और आशा करती हूं कि आपको इनके उत्तर आते होंगे तो मेरा पहला रिक्त स्थान है प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि उसकी डैश अधिक होती है तो इसका उत्तर है आवृत्ति मेरा अगला प्रश्न श्रव्यता के परिसर से कम आवृत्तियों की ध्वनि को डैश कहते हैं तो इसका सही उत्तर है अवश्रव्य ध्वनि अगला रिक्त स्थान कान के मध्य भाग में विद्यमान हड्डियां तो कौन कौन सी हैं वो हड्डियां मुग्धरक निहाई तथा विलयक मेरा अगला प्रश्न है श्रृंग और गर्त की परिभाषा दें ध्वनि तरंग के शिखर को तरंग का श्रृंग तथा ध्वनि तरंग की घाटी को तरंग का गर्त कहा जाता है अगला प्रश्न है क्या कारण है कि औरतों की आवाज तीक्ष्ण और पतली होती है यद्यपि पुरुषों की आवाज मोटी होती है औरतों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है जिसके कारण उनका तारत्व भी अधिक होता है जबकि पुरुषों की आवाज की आवृत्ति कम होती है जिसके कारण उनकी आवाज़ का तारत्व भी कम होता है यही कारण है कि औरतों की आवाज़ तीक्ष्ण और पतली होती है यद्यपि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है मेरा अगला प्रश्न है मानवीय कान किस आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनता है मानवीय कान 20 हर्ट से बीस हजार हर्ट्स वाली आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है मेरा अगला प्रश्न है दो प्रकार की तरंगों के बीच में अंतर बताएं। वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण संचरण की दिशा के समांतर विस्थापन करते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य अथवा लॉन्जिट्यूडनल तरंगे कहते हैं तथा वह तरंगे जिनमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं उन्हें अनुप्रस्थ अथवा ट्रांसवर्स तरंग कहते हैं अब दो प्रश्न आपसे पूछूंगी आप इन्हें हल करने का प्रयास करें तो मेरा पहला प्रश्न एक स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तरंग दैर्घ्य एक दशमलव सात गुणा दस की पावर ऋण दो है मीटर है यदि इसका वेग तीन सौ तिरतालीस दशमलव चार मीटर प्रति सेकंड हो तो आप ध्वनि की आवृत्ति पता करो मेरा दूसरा प्रश्न है एक आदमी चट्टान से 20 मीटर दूरी पर खड़ा है वह सीटी बजा रहा है यदि ध्वनि की चाल तीन मीटर प्रति सेकंड है तो प्रति ध्वनि कितनी देर बाद सुनेगी तो बच्चों आप इन दोनों प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ आ गया होगा तंदुरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद